नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश के विभिन्न क्षेत्रों के घटनाक्रम में बिहार से जो खबर निकल कर आई, नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी करीब करीब चुनने जा रहे हैं, फाइनल उन्होंने कर लिया है। मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है। 10 विधानसभा का उपचुनाव और उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज, खास करके जाटव और गैर जाटव, इनके ऊपर मीडिया की निगाहें हैं, देश की राजनीति की निगाहें हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि 10 सीट पर उपचुनाव है, उसमें 5 समाजवादी पार्टी की अपनी सीट है और करीब करीब 3 सीट भाजपा का है, 1 सीट निषाद पार्टी का है और 1 आरएलडी का है। 10 सीट का विधानसभा का उपचुनाव है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो समीकरण है वो गुल खिलाएगा, 10 के 10 हम सीट जीतेंगे, भाजपा की उत्तर प्रदेश से विदाई हो चुकी है। अभी 37 सीट लोकसभा में प्राप्त किए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, बिल्कुल गदगद हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं, ताकत में हैं, भाजपा को जगह जगह डिफेम कर रहे हैं और भाजपा अपनी साख लौटाने के चक्कर में पूरी ताकत लगाएगी इस 10 विधानसभा सीट पर। इन 10 विधानसभा का जो उपचुनाव होगा, भले ही एक चुनाव उपचुनाव हो, लेकिन 3 नेता अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। पहला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्हें ये साबित करना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हवा बह चुकी है और भाजपा उखड़ चुकी है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपनी साख बनाए रखने के लिए जनता पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है अथवा उतनी ही पकड़ है, तो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। और तीसरी जो निगाहें हैं, बहन मायावती जी का, बहन मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2022 में मात्र 1 सीट जीते थे उमा शंकर सिंह जी, और बसपा को करीब करीब राजनीतिक जगत में 0 मान लिया गया। 2024 में उन्होंने कहा कि ना हम इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, ना हम एनडीए के साथ, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जो उनकी अपनी अकेले की केवल जाटव वोट बैंक से यह पता लगा कि अब उनके पास मात्र 10% वोट है। लेकिन अभी जो प्राप्त खबर आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से खबरें निकल कर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इन 10 के 10 विधानसभा में उपचुनाव पर डटकर इनका मुकाबला करेंगे। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट अखिलेश यादव जी का अपना है, अपना गढ़ है मैनपुरी, और मैनपुरी से ही करहल विधानसभा में बसपा ने बड़ी ताकत के साथ तैयारी कर ली है। करहल विधानसभा में जो संभावित बसपा के उम्मीदवार बताए जाते हैं, आजाद, ये विजय कुमार आजाद है, तो विजय कुमार आजाद अपनी ताकत लगाए हुए हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, आम जनता से संपर्क कर रहे हैं। आप मेरे स्क्रीन पर उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आप देख सकते हैं, जो खबरें वो हमारे तक भेजते हैं बिहारी सुल्तान चैनल के पास, जो उनकी खबरें निकल कर आती है हर मीटिंग का, वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, खास करके बहुजन समाज के युवाओं को जोड़ रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो महिलाएं हैं, सबको जोड़ रहे हैं। और इस बार इस 10 विधानसभा सीट पर बसपा एक खास मैसेज देने की तैयारी है, कर रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो मीडिया जगत की रिपोर्ट है, जो लोग सर्वे करते हैं ग्राउंड पर, जो ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए जाते हैं, तो सच्चाई यही है कि जो SC ST वोट है वह डिसाइड करने वाली है कि 10 के 10 विधानसभा सीट
सपा के खाते में जाएगी या भाजपा के खाते में जाएगी। अगर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहन मायावती जी, उनके बड़े बड़े लीडर्स सब ने अपनी ताकत झोंक दी और अगर यह सीट निकालने में कामयाब हो गए तो इनको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है पाना ही पाना है, क्योंकि 2022 में जो एक सीट आई थी उमा शंकर सिंह जी का, वह भी क्रेडिट उमा शंकर सिंह जी का व्यक्तिगत चला जाता है, बसपा को तो 2022 में भी कुछ नहीं मिला, 2024 में भी ये जीरो पर है। अगर विजय कुमार आजाद करहल विधानसभा का सीट जीत लेते हैं अथवा अन्य जो बसपा के उम्मीदवार हैं, जो लोग इस विधानसभा के उपचुनाव को जीतेंगे वो बसपा में एक तरह से हीरो की तरह रहेंगे, बिल्कुल उनके हाथ में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व रहेगा। ऐसे बहन मायावती जी के अनुसार उत्तर प्रदेश का नेतृत्व और पूरे देश का और उत्तराधिकारी भी आकाश आनंद जी के हाथ में दे दिया गया है, लेकिन जनता किसे हीरो बनाती है उस विधानसभा में दो चार अगर विधायक निकल कर आ जाते हैं तो बसपा पुनर्जीवित हो जाएगी और इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि एक विधानसभा के उपचुनाव में कुछ युवाओं ने अपनी ताकत लगाकर बसपा को पुनर्जीवित कर दिया। और इस तरह से जितने भी बसपा के कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के सब छोटी बड़ी खबरें भेजते हैं न्यूज चैनल पर, बताते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ताकत लगाए हुए हैं और बहन मायावती जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें टिकट दीजिए, कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए जो जमीन पर हैं और हम फिर से बसपा को पुनर्जीवित कर देंगे। इस तरह से और एक बात और तय है, 10 के 10 विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के अनुसार वो भी अपना कैंडिडेट देंगे। तो या तो एससी एसटी जो वोट है वो 2-3 फार हो जाएगा, क्योंकि चुनाव के वक्त अखिलेश यादव जी भी अंबेडकरवादी बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी अंबेडकरवाद की चर्चा होता है तब अखिलेश यादव चुनाव के वक्त बिल्कुल दलितों के साथ रहते हैं, अंबेडकर की विचारधारा पर चलते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म उनके जुबान से नहीं निकलती। अभी अभी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो चेन्नई में अपराधियों ने जिन्हें मार डाला उनके बारे में अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं बोला, किसी भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कुछ नहीं बोला। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव के वक्त भाजपा भी अंबेडकरवादी हो जाती है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं इस विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे सामने आएंगे, कि नीतीश कुमार अपने नज़दीकी अपने दूर के रिश्तेदार स्वजातीय मनीष कुमार वर्मा को जदयू में शामिल कर रहे हैं और अगला अपना उत्तराधिकारी उन्हें नियुक्त करेंगे, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव का एक रूपरेखा आपको बता रहे हैं जो वहां के स्थानीय जनता कह रही है, जो चुनावी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वहां होने वाला क्या क्या है। सबसे पहले जब विधानसभा का चुनाव हो, खास करके उपचुनाव हो, तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा गूंजते हैं। मैनपुरी का करहल विधानसभा में स्थानीय मुद्दा क्या है अथवा उत्तर प्रदेश के बाकी जितने भी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उस विधानसभा का स्थानीय मुद्दा क्या है। बहुजन समाज में एक बात और गूंज रही है, सरकारी नौकरी तो है नहीं, सरकार वैकेंसी देती नहीं और जो प्राइवेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, पैकेज पे नौकरियां देती है, उन तमाम मल्टीनेशनल को सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाए, सरकार एक ऐसी बिल पास करे कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें बहुजन समाज के युवा। और यह मुद्दा इस विधानसभा के उपचुनाव में गूंजेगा। अगर आपने यह कहा है कि संविधान खतरे में है, अगर आपने 2024 का लोकसभा चुनाव में यह कहकर चुनाव जीता है
के आरक्षण खतरे में है। तो इन तमाम नेताओं को इंडिया गठबंधन में, चाहे वो अखिलेश यादव हों, आरजेडी के तेजस्वी यादव हों, अथवा जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी ये कहना पड़ेगा, बहन मायावती जी को भी यह मांग उठानी पड़ेगी कि बहुजन समाज के युवा बेरोजगार हैं और प्राइवेट सेक्टर में इन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता। जहां इन्हें आरक्षण मिला हुआ है सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट में, उनके पास तो एक तो नौकरियां नहीं हैं, कुछ नौकरियों का जो वैकेंसी आता है तो केवल वैकेंसी के नाम पे फॉर्म भरे जाते हैं, पैसे बटोरे जाते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाते हैं, मामला कोर्ट कचहरी में जाता है और देश के बहुजन समाज के युवा जो बरसों से आस लगाए हुए बैठे हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं, नेताओं के बयानबाजी सुनते हैं, अपना हाथ पांव पटकते हैं, अपने भविष्य को कोसते रहते हैं, इसके अलावा और उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रखा जाता है प्राइवेट के तौर पे, एक वेतन दी जाती है, एक पैकेज दी जाती है, तो क्यों नहीं बहुजन समाज से संबंधित जो लीडर्स हैं, जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, आरक्षण की रक्षा की बात करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करें। और यह मांग उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव में गूंजने वाली है। अगर करहल विधानसभा से जो है उम्मीदवार बनाए जाते हैं विजय कुमार आजाद, जो एडवोकेट हैं मैनपुरी में और अपनी उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे हैं, क्या वो बोल्डली ये आवाज़ लगाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में बहुजन समाज के युवाओं को आरक्षण दिया जाए? सरकार के पास तो काम है नहीं, जहां काम है वहीं हमें थोड़ा बहुत रिजर्वेशन देकर हमें काम पे लगवाया जाए। बहुजन समाज के युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, और ये चुनावी वायदे ये लोग बोलते हैं, चुनाव खत्म सब अपने अपने रोजगार में लग जाते हैं, पार्लियामेंट सज जाती है, जो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के ऊपर 5 साल तक टीका टिप्पणी करते हैं, लाछन लगाते हैं, और इस देश की मूक दर्शक जनता ठगी की ठगी रह जाती है, फिर 5 साल के बाद इंतजार करती है कि 5 साल के बाद इन्हें हम सबक सिखाएंगे, और वो रूप रंग चेहरा बदल कर इनके बीच आ जाते हैं, कभी दल बदल लेते हैं, कभी मुद्दे बदल लेते हैं, और नए नए मुद्दे नए नए दल के साथ आम जनता के बीच आते हैं, और जनता हमेशा ठगी जाती है। तो विधानसभा में स्थानीय मुद्दे गूंजेंगे, विधानसभा के उपचुनाव में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठेगा, भाजपा इस बात से डरी हुई है, स्थानीय मुद्दे के ऊपर ध्यान भी देने वाली है। और रही बात ये कि अखिलेश यादव जी का सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है पीडीए का, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो कहते भी हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग वो उठाएंगे? पार्लियामेंट में हैं, अब बहस करते हैं, क्या जो केंद्र की सरकार है उनके सामने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लेकर आएंगे? जो वहां के 10 विधानसभा का जो उपचुनाव है वहां बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे होंगे, सड़क नालियां वहां पर जो नहर उसके भी मुद्दे होंगे, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो समस्याएं होंगी, वहां के जो बाजार की सकरी गली होगी, सड़क टूटे होंगे, अभी बरसात का मौसम है, अस्त व्यस्त होगा, ये सब स्थानीय मुद्दे में आते हैं। क्या ये मुद्दे अखिलेश यादव जी उठाएंगे अथवा बसपा के संभावित उम्मीदवार विजय कुमार आजाद उठाएंगे, या योगी आदित्यनाथ जी संभावित जो भी उनका कैंडिडेट होगा उनके लिए कहेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों को हम बहुत जल्दी दूर कर रहे हैं, यहाँ जो भी समस्याएं हैं हम खत्म करने वाले हैं? इस तरह से ये 10 के 10 सीट जो है उपचुनाव का यह तय करेगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश किसका होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।